यो रेडियो कश्मीर जम्मू ऐ। बाग अली ताहिर ते खबर सुनो। पाकिस्तान ने फायरबंदी की फिर खिलाफ वर्जी करता हुआ जिला पुंछ का शाहपुर ते केरनी सेक्टर मां सिविल इलाका ना निशानो बनायो है, जिसमा पांच अफराद जख्मी हो गए हैं। दिफाई तर्जुमान ने आल इंडिया रेडियो ने दस्यो है कि पाकिस्तान ने कल शाम पांच बजे के करीब फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करता हुआ लोग हथियारों संग फायरिंग ते गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान की इस इश्तियाल अंगेजी को भारतीय फौज ने भी मौसर जवाब दितो। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ राहुल यादव ने गुज़श्ता शाम मनकोट को दौरो लायो ते कल मनकोट तहसील का बलनोई इलाका मां सरहद पार की गोलाबारी संग जंभाग हुई शुजात बी का कुंभाना एक लाख रूपये की एक्सग्रेशिया रिलीफ मुहैया कराई। बाद में उन्होंने जिला अस्पताल मेंढर को दौरो ला गए। इस गोलाबारी संग हुआ जख्मियों की भी इयादत की। डीडीसी मौसूफ ने दौरा के दौरान मनकोट का तहसीलदार ना इज्तमाई ते इन्फरादी बंकर की तामीर की तौला तकमील बारे हिदायत भी की। मुतहदा अरब अमारात ने जैश ए मोहम्मद तंजीम का शिद्दत पसंद निसार अहमद तांतरे ना सीआरपीएफ वर पुलवामा का लेथीपुरा इलाका मां साल 2017 मां किया गया दहशतगर्दाना हमला का एक कुलीदी साजिशकार का इल्जाम मां मुल्क बदर करता हुआ वापस भारत रवाना कर दितो है। जरिया ने दस्यो है जे नवी दिल्ली की दरखास्त वर मुतहदा अरब अमारात का अहदेदारा ने निसार अहमद तांतरे ना गिरफ्तार कर गए वापस भारत रवाना कियो है। इतलात के मुताबिक निसार तांतरे दो महीना पहला मुतहदा अरब अमारात नस गयो थो। इस मामला की कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए तहकीकात कर रही थी। इतलात में दस्यो गयो है जे एनआईए ने निसार तांतरे ना अपनी तहवील में ले लियो है। जम्मू कश्मीर का आला चुनाव अफसर शैलेंद्रा कुमार ने चुनाव तैयारियों की तफसीली जानकारी हासिल की है। उन्होंने बिला रुकावट आम चुनाव करान का सिलसिला में पोलिंग स्टेशनों पर किया गया इंतजाम ते दी जाने वाली सहूलतों बारे दस्यो गयो। आला चुनाव अफसर ने जम्मू कश्मीर ते लद्दाख का डिवीजनल कमिश्नर ते दूजा सीनियर अफसरों संग पोलिंग मरकजों पर किया गया इंतजाम खसूसी तौर पर पहला ते दूजा मरहला का चुनावों की तैयारियों का सिलसिला में इंतजाम को तफसीली जायजो लियो। रियासत का आला चुनाव अफसर ते जिला चुनाव अफसराना मिसाली जाब्ते अखलाक लागू होने के बाद हुन तोड़ी जाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला में 182 शिकायत मौसूल हुई हैं, जिनमें ऑनलाइन ऐप सी विजल के जरिए मौसूल की गई 88 शिकायत भी शामिल हैं। आला चुनाव अफसर के दफ्तर के मुताबिक हुन तोड़ी मिसाली जाब्ते अखलाक की 182 मौसूल शिकायतों विचों 123 शिकायतों को अजालो किया जा चुको है, जबकि 59 दूजी शिकायतों पर गौर जारी है। इसी तरह ऑनलाइन मिली 88 शिकायतों विचों 61 मुस्तरद की गई हैं, 22 शिकायतों को अजालो किया जा चुका है, जबकि 5 शिकायतों पर गौर किए जा रहे हैं। मिसाली जब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की पादाशमा खिलाफ वर्जी करने आला के खिलाफ 6 मामला दर्ज भी किया गया है, जबकि 24 मुलाजमाना मुअत्तल किया गया है। इस अलावा 36 गैर कानूनी हथियार 19,68,000 रूपये की रकम 1,887 लीटर शराब भी जब्त किया गया है। जम्मू का डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने कल कठुआ जिला का अपना दौरा के दौरान उत माजूर वोटर वास्ते आईंदा लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग मरकजों पर दस्तियाब सहूलतों ना यकीनी बनाने का इंतजाम को मुआयनो कियो। अपना दौरा के दौरान डिवीजनल कमिश्नर ने आईंदा लोकसभा चुनाव में काबले पहुंच मुशाहिद के तौर पर माजूर वोटर वास्ते जिला कठुआ का बिलावर इलाका का पोलिंग मरकजों पर दस्तियाब सहूलतों को जायजो लियो। उन्होंने इस मौके पर माजूर वोटर पर जोर पायो जे वे आईंदा लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ गए हिस्सों लें। उन्होंने मुतलका अफसरों पर जोर पायो जे वे माजूर वोटर ना तमाम पोलिंग मरकजों पर जरूरी सहूलत दस्तियाब करावे। उन्होंने ऐसा पोलिंग मरकजों पर तंबुओं का इंतजाम करने की भी हिदायत की है, जित शर्त दस्तियाब नहीं है। कांग्रेस का सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू डिवीजन में सरहदी इलाका में रहने वाले लोगों की हिफाजत न यकीनी बनाने में नाकामी को इल्जाम लाता हुआ नुकताचीनी की है। उनको कहना था जो गुजश्ता 5 बारह के दौरान सरहदी इलाका का लोग सख्त मुतासर हुआ है। वे कल राजौरी जिला में नौशहरा का लाम इलाका में एक चुनाव रैली संग खिताब कर रहा था। इस मौके पर पार्टी का कई दूजा लीडर ने भी रैली संग खिताब कियो। जेकेपीसीसी का तर्जुमाने आला रविन्द्र शर्मा ने जिला राजौरी में पारी गोलाबारी के जानवर पाकिस्तान की सख्त मुजम्मत की है। अपना एक बयान में उन्होंने पाकिस्तानी दस्तों की तरफों फायरबंदी की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जियां करता हुआ सिविल इलाका ने निशानो बनाने पर सख्त गुस्सा को इजहार कियो। रियासी सरकार ने कल जम्मू कश्मीर प्रोजेक्टर्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन जेकेपीसीसी का बड़ा गफला की तहकीकात रियासी पुलिस की क्राइम ब्रांच के हवाले कर दी है। इस तंजीम में करप्शन चोर दरवाजा ते की जान आली परतियां व रोक लान ते शफाफियत जवाबदेही और मौसर कामकाज को माहौल पैदा करने का सिलसिला में किया जाने आलो यो एक बड़ो कदम है। बख बख हल्कों ते जेकेपीसीसी का कामकाज पर उठन आला सवालों ते मौसूल होने आली शिकायतां खासकर गए सिविल ठेका में जारी करप्शन ते बख बख सतह वर गैर कानूनी तरीका संग की जान आली तकरूरियां जैसी शिकायतों के बाद यो कदम चायो गयो है। इसके नाल ही गोजरी में खबरों को यह बुलेटिन खत्म हुआ।